साउंड प्रॉब्लम है, क्राउन टीवी है इसमें, 1 2 3 4 ऐसे इसको है तो खुले, इसको पूरा खोल लिया। ये नया स्पीकर, ये पुराना ना, नया स्पीकर को खोल के लेके जाऊंगा। ये बेस बोर्ड है, हाँ उसको, ये वाला ग्राउंड है, उसको पहले खोलना पड़ेगा, लगाना भी उसको पहले। हाँ ये बेस बोर्ड ऐसे खुलता है, ये वाला हो गया, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया कैप, पूरा फट गया है देखिए कैप, उसको दूसरा लगाना पड़ेगा, देखिए स्पार्क करेगा नहीं तो। नेक्स्ट हो गया, बोर्ड को निकाल लेता हूँ, ये वाला स्पीकर, स्पीकर को जलाई करके रखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनिंग, ये वाला डिकोडिंग कॉल, ये डिकोडिंग कॉल। नेक्स्ट हो गया पावर केबल, कहाँ गया ये पावर केबल, ये हो गया डिकोडिंग, ये डिकोडिंग हो गया, ये पावर, ये भी सॉकेट, नेक्स्ट हो गया ये साउंड, ये साउंड का हो गया, ये वाला ये भी सॉकेट फोन सेट का, ये हो गया साउंड, इसको भी ऐसे निकाल लेता हूँ, काटा से তো বেয়া হয়েছে না। कैप भी खराब है, ये भी लगा देगा, देखिए सब ESC से CRT में करंट जाएगा तो ये आवाज़ देगा, बहुत बहुत बड़ा बुरा आवाज़ देता है, ये पूरा फट गया है, अभी उसको दूसरा रिप्लेस कर देगा, आवाज़ नहीं आएगा। नया कैप लगा दिया उसको।
अंडा डाल के नया लगा दिया। ये क्राउन टीवी का बोर्ड था, इसका प्रॉब्लम था साउंड क्लियरिटी नहीं आता है। इसका एक कैपेसिटर ख़राब हो गया था, ये वाला हो गया साउंड नॉइस से उसका, उसका ये वाला हो गया साउंड नॉइस से, ये 5 पिन का ये साउंड नॉइस से ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर ख़राब था, ये वाला के पास तो उसको दूसरा लगा दिया है 35 वोल्ट का 470 माइक्रोफ़ारड। बाकी सब ठीक ही है, पिक्चर भी ओके है। ये वाला के पास तो खराब था, दूसरा लगा दिया। साउंड आता है लेकिन क्लियरिटी नहीं आता है, वो के पास तो खुल गया पूरा। उसको अभी स्पीकर लगाएगा, अभी स्पीकर लगा के उसको लगा देगा टीवी में ठीक है। ये वाला स्पीकर डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैप नहीं है ना, ये वाला कनेक्शन है, ये डायरेक्ट लगा लिया ठीक है। এই বাকি কানেকশন দে হেৰো তো হাতে কি কৰিলি হেৰো পিকচাৰটো চাই চাউণ্ডটো চাওঁ আকৌ ন কিবা কিবি অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ কানেকশ্যনটো কোৱা আকৌ এইটো মাৰিব লাগিব।